अल्लाह ताला ने एक रात अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आवाज़ सुनाई कि आए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए, सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसल होता है, अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। आपके पास जितने भी ऊँट मौजूद थे सब राय खुदा में कुर्बान कर दिए और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र अदा करके आराम फरमाने लगे। जैसे ही आराम करते हैं ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है कि ऐ इब्राहीम, अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सोचने बैठ गए कि मुझे सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माईल है, क्या अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं इस्माईल से ज़्यादा इश्क करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से। जैसे ये ख्याल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन पे उभरा, आपने इरादा कर लिया कि अपना बेटा इस्माईल राय खुदा में कुर्बान करूँगा। सुबह उठ के अपनी जोजा बीबी हाजरा से कहने लगे, ऐ हाजरा, मेरे बेटे इस्माईल को तैयार कर, अच्छा लिबास पहना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर लेके जाऊँगा। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानगाह की तरफ रवाना होने लगे। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के पास नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माईल को मारने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? शैतान कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, इब्राहीम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि अपना बेटा कुर्बान कर और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पे अल्लाह की लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी, मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह पर कुर्बान। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है, तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान कर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहने लगते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा प्यारा बेटा इस्माईल क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं। इतनी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पे लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते चलते अपने बेटे से कहने लगते हैं, ऐ इस्माईल, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूँगा ताकि ये वाज़े हो जाए कि मेरे दिल में इस्माईल से ज़्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। आपके फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहने लगते हैं, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं, जब मेरा गला कटेगा मैं तड़पूँगा, आप देख नहीं पाएंगे। बाबा, मैं ये चाहूँगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पांव रस्सी से बांध लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव रस्सी से बांध के अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं और छुरी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर रखते हैं और आसमां की तरफ देख कर ये फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, देख, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माईल भी अता करता तो सब इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही छुरी को फेरने लगे, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा, जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पेश कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते फेरते जैसे ही छुरी फेरी, खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जैसे ही आँखों से पट्टी को जुदा किया, क्या देखते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम सही और सालिम उनके साथ खड़े हैं और कुर्बानगाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका है। और फिर आवाज़ गैब की है, ऐ इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता कयामत याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे।
आज भी हज़रत इब्राहीम अलैह सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद कुर्बान के नाम से याद किया जाता है।